फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास भी एक ESIC अकाउंट नंबर है, फ्रेंड्स यदि आपका भी ESIC हर महीने जमा होता है या फिर होता था, तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर मैं लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया गया है ESIC की तरफ से, जो कि आपके केवल फायदे और फायदे के लिए ही है। जैसा कि फ्रेंड्स काफी लोगों ने कमेंट्स करके पिछले दिनों बताया है कि सर, एक इशू हमें रेगुलर देखने को मिलता है, मैं जो जॉब करता हूं वो कहीं और पे जॉब करता हूं और मेरा जो होम टाउन है वो कहीं और पे है, और ऐसे में जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता हैं या फिर आपके वाइफ है, जो भी बच्चे हैं वो या तो घर चले गए हैं कुछ दिनों के लिए या फिर घर पे ही रहते हैं, ऐसे में मैं उनका जो भी इलाज है वो घर पे कैसे करा सकता हूँ, या फिर मैं ही कुछ दिनों के लिए घर पे गया हूँ तो मैं घर पे इलाज कैसे करा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप इलाज कराते हैं ना ESIC में, तो एक रूल फेमस है फ्रेंड्स, जो भी आपके डिस्पेंसरी होती है ना, जो भी आपकी डिस्पेंसरी है, अक्सर ज़्यादा जो भी मैक्सिमम लोग होते हैं जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं आसपास कोई डिस्पेंसरी होती है, उनके ESIC अकाउंट में अपडेट होती है। ऐसे में जो भी आपकी डिस्पेंसरी है ना, आप सबसे पहले आपको वहीं पे जाना पड़ता है किसी भी तरीके का आपको इलाज लेना है। फ्रेंड्स यदि वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ से रेफर कराते हैं तो ही आप कहीं भी कैशलेस या फ्री में इलाज करा सकते हैं, अन्यथा आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे में क्या है कि यदि आप घर चले गए हैं तो आपको डिस्पेंसरी चेंज कराना होता था, लेकिन डिस्पेंसरी चेंज कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर का वेट करना पड़ता था। फ्रेंड्स एम्प्लॉयर आपका तुरंत ही कर सकता है, एक मिनट के अंदर जो भी डिस्पेंसरी है आपकी, वो होम टाउन का हो या फिर कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जहां भी ESIC की सर्विस अवेलेबल है, आपका एम्प्लॉयर चाहे तो कुछ ही मिनटों में अपडेट कर सकता है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे कर सकता है और कितना समय लगता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है कि जो भी डिस्पेंसरी आपकी अपडेट होती है ना, तो वो अपडेट होने के तुरंत ही बाद आप इलाज ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसे में आपको एम्प्लॉयर का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन ESIC पोर्टल पे जो एम्प्लॉई पोर्टल है वहाँ पे तीन बड़े अपडेट कर दिए गए हैं फ्रेंड्स, और तीन बड़े अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट, खुद से ऑनलाइन डिस्पेंसरी भी चेंज कर सकते हैं, मनचाहे जहाँ पे आप इलाज कराना चाहते हैं वहाँ पे डिस्पेंसरी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए समय ज़्यादा न गंवाते हुए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे आपको डिस्पेंसरी चेंज करना है, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यदि आप भी जानना और लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो बिना स्किप लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ESIC। फ्रेंड्स ESIC की वेबसाइट पे आपको चले जाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे दो वेबसाइटें ESIC की, आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो वेबसाइट यहाँ पे सर्च करना है ना, वो इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और www.esic.nic.in आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। फ्रेंड्स हालांकि इस पूरे वेबसाइट का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो ये ही वेबसाइट ओपन होकर के आएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ESIC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ चुके हैं। अभी उसके बाद से आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज पे, सर्विसेज पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इम्प्लॉईज के लिए अलग है, एम्प्लॉयर के लिए अलग है, तो अभी फिलहाल में हम इम्प्लॉईज की बात कर रहे हैं तो इम्प्लॉईज वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स IP पोर्टल पे सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही आप IP पोर्टल पे सेलेक्ट करेंगे ना, आप ओके कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं IP पोर्टल ओपन होकर के आ चुका है। हालांकि यदि आप IP पोर्टल पे आना चाहते हैं ना, तो मैं IP पोर्टल का भी लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट IP पोर्टल पे भी आ जाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपको बीमीकृत व्यक्ति पे बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, अगर स्टाफ हैं तो स्टाफ पे भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बीमाकृत व्यक्ति पे सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे उपयोगकर्ता का नाम और या फिर नाम यहाँ पे एंटर नहीं करना है, आपको ID होती है जो IP, वो आपको एंटर करना है और उसका जो भी पासवर्ड है वो एंटर करना है। उसके बाद से फ्रेंड्स
यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ना, ये वाला एंटर करना है यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे के आ जाना है और लॉगिन कर देना है। अब फ्रेंड्स, यदि आप उपयोगकर्ता का नाम आपको नहीं पता है तो आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपका इसको आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है, एक्टिव नहीं है, तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि आप अपने ESIC नंबर को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपका आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है लेकिन आप भूल गए हैं पासवर्ड, तो उस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि आपको अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है और नया पासवर्ड कैसे बनाना है। हालांकि यहाँ पे पासवर्ड भूल गए पे सेलेक्ट करके यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। अभी फटाफट हम यहाँ पे अपना जो भी ये कैप्चा दिख रहा है वो एंटर कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। अगर कैप्चा समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं और नया कैप्चा मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कैप्चा एंटर कर लिया है, लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, और यदि आपने पहले से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद से अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नए ऑप्शन जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी चेंज का ऑप्शन जुड़ा हुआ है और दूसरा अपडेट प्रिफरेंट लैंग्वेज आप SMS का जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपना, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपना SMS मंगवाना चाहते हैं। कई सारे लैंग्वेज मिलेंगे यहाँ पे, सब कुछ देखेंगे। अब फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाएगा, IP क्लेम रेम्बर्समेंट का ऑप्शन जुड़ा हुआ है, यहाँ से आप अपना क्लेम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, फटाफट हम जान लेते हैं कि डिस्पेंसरी कैसे आपको चेंज करना है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो एक नया ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पे चेंज डिस्पेंसरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे IP नंबर देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सारे ऑप्शन से हाईलाइटेड नहीं है। अब हाईलाइटेड करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। यदि आप अपना IP पे सेलेक्ट करेंगे तो IP का जो भी यह डिटेल्स है ना, ये हाईलाइटेड हो जाएगा, और उसके बाद से आप यहाँ पे अपना लोकेशन चेंज कर पाएंगे, किस लोकेशन में आप, किस स्टेट में आप चूज करना चाहते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी अगर चेंज हो रही है तो ही आप चेंज कर सकते हैं। आपको यदि उस स्टेट में आप गए हुए हैं और वहाँ पे आप इलाज कराना चाहते हैं तो भी आप चेंज करके इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्टेट चूज कर लीजिए, जहाँ भी आप कराना चाहते हैं उस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट पे आपको यहाँ पे चूज करना है वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्पेंसरी चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस जो भी आपने लोकेशन चूज किया है उस लोकेशन में कितने सारी डिस्पेंसरी अवेलेबल है, किस डिस्पेंसरी पे आप इलाज कराना चाहते हैं, कौन सा नज़दीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे फैमिली का करना है, IP का नहीं करना है, और यदि फैमिली दोनों का ही करना है तो दोनों का भी आप कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे फॉर फैमिली पे भी सेलेक्ट करना है। फॉर फैमिली पे सेलेक्ट करेंगे तो ही, देखिए, यदि आप इस ऑप्शन पे चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे तो ही ये जो भी ऑप्शंस हैं वो एक्टिव होंगे और आप चेंज कर पाएंगे, अन्यथा ये इनएक्टिव ही रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे फैमिली का भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, फैमिली का ओपन होकर के आ चुका है। आपकी फैमिली यदि गाँव में है, आप गाँव में इलाज कराना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कहीं और का रहने वाला हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ और मेरी फैमिली घर पे है, घर पे इलाज कराना है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है। अब देखिए, आप यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे आप बिहार चूज कर लेंगे। देखिए, मैं बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बिहार में ही चेंज करेंगे, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के चेंज कर सकते हैं। बिहार में आप कहाँ के रहने वाले हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है डिस्पेंसरी वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में यहाँ पे डिस्पेंसरी पे आप आएंगे और डिस्पेंसरी यहाँ पे चूज करेंगे, यदि अवेलेबल होगा तो दिख जाएगा, नहीं है तो फिर ये आप अपना जो भी डिस्पेंसरी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं, यदि आपके एरिया में अवेलेबल है तो ही यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से कोई डिस्पेंसरी ESIC बनाने वाला है, अवेलेबल है वही आप सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने बिहार में भोजपुर में अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DCBO आरा में अवेलेबल है। ESIC का पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपको एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है,
अब फ्रेंड्स अब उसके बाद से यहाँ से जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये अपडेट भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और चेकबॉक्स है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपडेट करने से पहले कि आप एग्री हैं, सब कुछ ठीक है। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये डिस्पेंसरी जब भी हम चेंज करेंगे ना तो उसके कितने समय बाद, कितने दिनों बाद हम इलाज करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अभी अभी सफलतापूर्वक चेंज कर लिया ना तो अभी अभी उस डिस्पेंसरी में जाके आप इलाज करा सकते हैं। वो डिस्पेंसरी का कोई भी कर्मचारी आपको मना नहीं करेगा कि आपका अभी अभी चेंज हुआ है आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है वो ESIC में जमा होता है, ऐसा नहीं है कि PF की तरह कि किसी एक स्पेशल ऑफिस में जमा होता है। तो फ्रेंड्स जो भी है, लेकिन आप जब जैसे ही अपना डिस्पेंसरी चेंज करते हैं ना तो तुरंत ही आप अपना इलाज करवा सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि फ्रेंड्स उसके बाद से और भी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब फ्रेंड्स जो और ऑप्शन है इनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट प्रिफर्ड लैंग्वेज का, ये SMS के लिए आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर असमिया कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, गुजराती कर सकते हैं, यहाँ पे कन्नाडा कर सकते हैं, मलयालम कर सकते हैं, मराठी कर सकते हैं, ओडिया कर सकते हैं, पंजाबी कर सकते हैं, तमिल कर सकते हैं, तेलुगु कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं। अभी फिलहाल में इतने लैंग्वेज है, आने वाले समय में और भी लैंग्वेज ऐड हो सकते हैं तो उन्हें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया SMS का। देखिए आप यदि जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए इंग्लिश हम जैसे सेलेक्ट करना है, चलिए इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, OTP की जरूरत नहीं है, आपने इंग्लिश किया और यहाँ से अपडेट कर दिया, ये अपडेट हो जाएगा और आपको जो मैसेज मिलेगा देखिए इंग्लिश में ही मिलेगा। आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन करना पड़ेगा, हमने कन्फर्म कर दिया है तो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो गई है, प्रिफरेड लैंग्वेज है, अब आप इंग्लिश में ही हमें प्राप्त हुआ करेगा। अगर हिंदी करना है तो बस कुछ नहीं करना, आपको हिंदी कर देना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। देखिए हिंदी हमने सेलेक्ट किया है और उसके बाद से यहाँ पे अपडेट कर देना है और एक बार कन्फर्म कर देना है, तो आपको उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे ना उसी लैंग्वेज में आपको जो SMS मिलेगा ESIC की तरफ से वो मिलेगा। ये जो तीसरा ऑप्शन है ना IP क्लेम रिम्बर्समेंट का है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसके लिए आप कब एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे MIS रिपोर्ट देख सकते हैं। MIS रिपोर्ट में क्या है, पहले के सारे डेटा होते हैं, यदि आपने कोई क्लेम वगैरह किया था लिया था तो उसका है। देखिए फ्रेंड्स ये सारा ऑप्शंस है वो पहले ये जो आपका एम्प्लॉयर पोर्टल है उस पर तो मौजूद ही था, लेकिन अब एम्प्लॉई पोर्टल पे आ चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई सर्विस है। देखिए इस सर्विस का लाभ यदि पहले अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से लिया हुआ है तो MIS रिपोर्ट में आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा। तो MIS रिपोर्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद से क्लेम के बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसोर्ड पर्संस पार्टिकुलर जो भी आपका डिटेल्स है वो यहीं पे दिख जाएगा, और नहीं आपने कोई क्लेम लिया है तो कोई डेटा ही नहीं रहेगा। अगर डेटा है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, अगर डेटा है तो प्रिंट भी हो जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड लिख देगा फाइंड। अब उसके बाद से कैंसिल करके हम दोबारा से इस क्लेम वाले ऑप्शंस पे आ जाते हैं। देखिए दोबारा से आ चुके हैं, यहाँ MIS वाले ऑप्शन पे हम गए थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपको कोई नया क्लेम करना है तो आपको क्रिएट न्यू क्लेम पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद से एक इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप जो भी क्लेम है तभी कर पाएंगे जब आपका कोई बैंक अकाउंट ESIC के डेटाबेस में मौजूद है और आपके बैंक मैनेजर द्वारा IFC कोड और बैंक अकाउंट नंबर अप्रूव्ड है। तो अगर अप्रूव्ड है तो आप ओके कर दीजिए और कर पाएंगे। अभी फ्रेंड्स क्या है कि देखिए क्लेम टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, किस टाइप का आप क्लेम करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं। अभी फ्रेंड्स उसके पहले यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो भी इम्प्लॉई है ना इनका जो भी IFC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, NIP का वो अपडेट नहीं है, तो इन सारी डिटेल्स को आपको अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से अपडेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे क्लेम टाइप आपने देख लिया है और OPD आपने लिया है या फिर एडमिशंस वाला लिया है। देखिए एडमिशंस वाला हमें क्या होता है, जो आप भर्ती हो जाते हैं, OPD वाले में क्या है कि आपने दवाई लिया और लेके चले आए, वो ऑप्शन होता है। और उसके बाद से एडमिशन का मतलब कि आप भर्ती रहे, वो तो भर्ती यदि होते हैं यदि 24 घंटा या फिर जो भी है एडमिट होते हैं तो उसके लिए एडमिशन का ऑप्शन आप चूज करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे और भी डिटेल, क्या पीरियड थी, कब से कब तक का आप लेना चाहते हैं, तो ये डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। हालांकि ये जो IP है इनका अपडेट नहीं है इसलिए ये क्लेम प्रोसेस तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जो ऑप्शंस हैं जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक आपने इलाज करवाया है, OPD करवाया है या फिर एडमिशन का करवाया है,
फर्दर डेट कैन बी सेलेक्टेड, अभी आजकल का ही डेट आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए हमने 1 तारीख 1 जुलाई सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर देंगे और यहाँ पे 1 जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है वो देख लेते हैं। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इन एम्प्लॉय का यहाँ से ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका जो भी बैंक डिटेल है वो अपडेट ही नहीं है। अब फ्रेंड्स जिनका अपडेट है वो तो कर पाएंगे और उन्होंने क्लेम वगैरह लिया हुआ है, कहीं से अपना इलाज करवाया हुआ है तो वो तो ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है ESIC द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। इस ऑप्शंस के बारे में आपकी क्या राय है आप अपना बहुमूल्य सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि मेरा जो ओपिनियन है ना, मेरा यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताऊंगा कि डिस्पेंसरी चेंज का जो ऑप्शंस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे IP जो क्लेम कब करना पड़ता है, यदि कोई जो भी डिस्पेंसरी है वो हमारे नज़दीक नहीं था, हमने रेफ़र नहीं करवा पाया और जल्दीबाजी में किसी और जगह इलाज करा लिया तो आपको यहाँ पे क्लेम करना पड़ता है। लेकिन यदि हम डिस्पेंसरी ही चेंज कर लेंगे, अपने आसपास की डिस्पेंसरी कर लेंगे और डिस्पेंसरी में चले जाएंगे और वहाँ से इलाज कराएंगे तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्पेंसरी चेंज का। बाकी इसके बारे में और डेडिकेटेड वीडियो में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। आपने आपके जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि फ्रेंड्स यदि हम जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं उसका लिंक सबसे पहले आपको मिला करेगा। फ्रेंड्स इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।